अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे डालमेशियन वर्सेस लैब्राडोर के बारे में। दोस्तों, लैब्राडोर एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और इनका ओरिजिन कनाडा के एक छोटे से टाउन लैब्राडोर से है। इन्हें एज अ रिट्रीवर डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये लोगों को और हंटर्स को हेल्प कर सके। लैब्राडोर पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। डालमेशियन भी मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और ये कहा जाता है कि इनका ओरिजिन क्रोएशिया के एक रीजन डालमेशिया से है। डालमेशियन को कुछ सेंचुरीज पहले एज अ कैरेज डॉग यूज किया जाता था। ये डॉग पॉपुलैरिटी में तब आए जब इनके ऊपर एक मूवी बनी 101 डालमेशियन, जो शायद आपने भी देखी होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से अच्छा फैमिली डॉग कौन सा है। दोस्तों, डालमेशियन और लैब्राडोर दोनों बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी ये इजीली रह सकते हैं। आपकी फैमिली चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये दोनों डॉग ब्रीड बड़ी से बड़ी फैमिलीज के साथ भी इजीली रह सकते हैं। लैब्राडोर और डालमेशियन, ये दोनों डॉग ब्रीड सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लेकिन डालमेशियन स्ट्रेंजर्स के लिए थोड़े अलर्ट होते हैं और कभी कभार उनपे बात भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इनकी हाइट के बारे में। लैब्राडोर की एवरेज हाइट मेल्स में 22 इंचेस से लेके 24 इंचेस तक होती है और फीमेल्स में 21 इंचेस से लेके 23 इंचेस तक होती है। और अगर डालमेशियन की हाइट की बात करें तो इनमें फीमेल्स की एवरेज हाइट 20 इंचेस से लेके 23 इंचेस तक होती है और मेल्स की एवरेज हाइट 21 इंचेस से लेके 24 इंचेस तक हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके वेट के बारे में। लैब्राडोर में मेल्स का एवरेज वेट 29 केजी से लेके 36 केजी तक होता है और फीमेल्स का एवरेज वेट 25 केजी से लेके 32 केजी तक होता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपने लैब्राडोर को ओवरफीड करते हैं और उनका वेट इनके एवरेज वेट से ज्यादा होता है। और अगर डालमेशियन के वेट को देखें तो इनमें मेल्स का एवरेज वेट 20 केजी से लेके 32 केजी तक होता है और फीमेल्स का एवरेज वेट 17 केजी से लेके 25 केजी तक होता है। तो देखा जाए तो डालमेशियन का वेट कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डालमेशियन की लीन बॉडी होती है और इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों डॉग्स के अडैप्टेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप लैब्राडोर और डालमेशियन दोनों को मीडियम टू लार्ज साइज के घर में रख सकते हैं। इनको स्मॉल साइज के घर में ना रखें, खास करके डालमेशियन को, क्योंकि वो थोड़े एनर्जेटिक होते हैं और उन्हें बंद कमरों में और छोटे घरों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। दोस्तों, लैब्राडोर इंडियन वेदर कंडीशन में ठीक ठाक रह तो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा गर्म और ह्यूमिड वेदर को नहीं झेल पाते, इसलिए ये उस टाइम बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन डालमेशियन गर्म और ह्यूमिड वेदर में भी इजीली रह सकते हैं और ज्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने डालमेशियन को घर से बाहर गर्मी में ना रखें। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, डालमेशियन और लैब्राडोर अच्छे फ्रेंडली डॉग्स और सोशल डॉग्स तो होते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप बचपन से इन्हें अच्छी तरीके से सोशलाइज करें। आप इन्हें बचपन में ही बाहर के एनवायरनमेंट में लेकर जाएं, इन्हें आसपास की जगह दिखाएं और दूसरे लोगों और दूसरे डॉग से मिलवाएं। ट्रेनिंग की बात करें तो लैब्राडोर को आपको ट्रेन करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि लैब्राडोर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है और ये बहुत ही जल्दी ओनर की बातों को मानना सीखते हैं। आप अगर इन्हें बचपन से ही ट्रेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डालमेशियन को भी आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन लैब्राडोर को ट्रेन करना ज्यादा इजी होगा। डालमेशियन भी अच्छी डॉग ब्रीड है और आप इन्हें लैब्राडोर की तरह भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब हम जानते हैं इन दोनों डॉग्स के एनर्जी लेवल के बारे में। दोस्तों, लैब्राडोर और डालमेशियन दोनों अच्छे खासे एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं, लेकिन अगर आप लैब्राडोर को ज्यादा ओवरफीड करेंगे तो वो वेट गेन कर लेगा और वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो एक्सरसाइज करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते और सारा दिन सोते रहना और आराम करना पसंद करते हैं। अगर आप इनको हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन्हें हर रोज कम से कम 40 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करवाएं, और अगर हो सके तो इन्हें हर रोज दिन में कम से कम 3 बार वॉक के लिए जरूर लेकर जाएं।
दोस्तों इंडिया में लैब्राडोर की एवरेज प्राइस 8 to 12,000 तक होती है और डालमेशियन की एवरेज प्राइस 11 to 15,000 तक होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड डालमेशियन वर्सेस लैब्राडोर के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।